नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम एनवायरमेंटलिज्म या ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए विद्वानों और उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कुछ समय पहले एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर दो व्याख्यान रिकॉर्ड किए थे, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत एनवायरमेंटलिज्म का अर्थ, उसकी उत्पत्ति और विकास और एनवायरमेंटलिज्म या ग्रीन आइडियोलॉजी के जो कोर थीम या केंद्रीय विषय है उस पर चर्चा की थी। और दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत हमने टाइप ऑफ ग्रीन आइडियोलॉजी यानी एनवायरमेंटलिज्म या हरित विचारधारा के प्रकारों के ऊपर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने तीन प्रकार की ग्रीन आइडियोलॉजी पर चर्चा की, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी के अंतर्गत भी हमने तीन प्रकार की इकोलॉजी या एनवायरमेंटल थ्योरी की बात की, जिसके अंतर्गत हमने इको फेमिनिज्म यानी पारिस्थितिकी नारीवाद, इको सोशलिज्म यानी पारिस्थितिकी समाजवाद और इको एनार्कीज्म यानी पारिस्थितिकी अराजकतावाद। इन विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न प्रकारों के माध्यम से हमने यह विश्लेषण करने का प्रयास किया था कि ये विभिन्न विचारधाराएं किस तरीके से एनवायरमेंट या इकोलॉजी के बारे में बात करती है। इन दो व्याख्यानों को आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। अब हम आज के इस तीसरे व्याख्यान के अंतर्गत हरित विचारधारा से संबंधित जो थिंकर्स है, की ग्रीन थिंकर्स है, उन पर और उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हरित विचारधारा से संबंधित या एनवायरमेंटलिज्म से संबंधित प्रमुख विद्वान, पहला विद्वान है अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर। यह जर्मनी के अंतर्गत जन्मे और यूके के अर्थशास्त्री और पर्यावरणीय सिद्धांतकार हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लघुतम ही सुंदर है, ये 1973 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर ने बुद्धिस्ट इकोनॉमी यानी बौद्ध अर्थशास्त्र या ऐसा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के अंतर्गत प्रॉफिट और लॉस कोई मायने नहीं रखता, बल्कि कौन मायने रखते हैं, लोग मायने रखते हैं, मानव जा पर मायने रखता है, ऐसी अर्थशास्त्र के ऊपर फ्रेडरिक शूमाकर ने जोर दिया। यानी फ्रेडरिक शूमाकर ने ये कहा कि जो उत्पादन होता है हमारा समाज के अंतर्गत, वो उत्पादन कॉस्ट जो उत्पादन है वो प्रॉफिट के लिए न होकर के लॉस को ध्यान में रखकर या प्रॉफिट को ध्यान में रखकर के उत्पादन न किया जाकर मानव को ध्यान में रखकर के उत्पादन करना चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर ने बुद्धिस्ट इकोनॉमी का सहारा लेते हुए नैतिकता पर जोर दिया और ऐसी आजीविका के ऊपर जोर दिया जिसके अंतर्गत हम मानव को केंद्र बिंदु के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर का ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म के विकास के अंतर्गत प्रमुख योगदान है। दूसरा जो एनवायरमेंटलिस्ट थिंकर है वह है अर्नेनास। अर्नेनास को डीप इकोलॉजी या गहरी पारिस्थितिकी या गहन पारिस्थितिकी के पिता के रूप में देखा जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है इकोलॉजी कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। अर्नेनास ने दो प्रकार की इकोलॉजी के मध्य अंतर किया, एक शैलो इकोलॉजी यानी सतही पारिस्थितिकी और दूसरा डीप इकोलॉजी यानी गहरी पारिस्थितिकी। शैलो इकोलॉजी इस प्रकार की पारिस्थितिकी है जिसके अंतर्गत इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन पारिस्थितिकी को मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक साधन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। यानी शैलो इकोलॉजी के अंतर्गत प्रकृति या पारिस्थितिकी को
ध्यान में रखा जाता है, उसके महत्व पर बल दिया जाता है, लेकिन प्रकृति या पारिस्थितिकी को एक साधन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि मनुष्य का अस्तित्व वो सुरक्षित रखा जा सके, मनुष्य का विकास किया जा सके। तो सेलो इकोलॉजी इकोलॉजी का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत इकोलॉजी या प्रकृति को अध्ययन के अंतर्गत शामिल किया जाता है या इनके महत्व को तो शामिल किया जाता है, लेकिन किसके लिए? मानव के विकास के लिए, मानव जीवन को बनाए रखने के लिए, मानव के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति या पारिस्थितिकी को एक साधन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जबकि डीप इकोलॉजी है वो इस तरह की सेलो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसका खंडन करते हुए प्रकृति के ऊपर जोर देती है, इकोलॉजी के ऊपर जोर देती है। यह कहती है डीप इकोलॉजी, यह कहती है कि प्रकृति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रकृति को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके मानव का विकास किया जा सकता है या मानव के जीवन को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि प्रकृति इसलिए महत्वपूर्ण है, पारिस्थितिकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति या पारिस्थितिकी अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तो डीप इकोलॉजी के अंतर्गत मानव के लिए प्रकृति को बनाए रखने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि प्रकृति को अपने आप में बनाए रखने के लिए प्रकृति के ऊपर जोर दिया जाता है। तो डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो मानव की जो सर्वोच्चता है उसका खंडन करते हुए ये कहता है कि मानव ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि सर्वोच्च या सर्वोपरि है, बल्कि सभी जीव है वो इक्वल है, सभी का इक्वल रेस्पेक्ट होना चाहिए, सभी की इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए। तो डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो मानव केंद्रित प्रकृति के अध्ययन का खंडन करते हुए प्रकृति को अपने आप में ही मूल्यवान मानते हुए, प्रकृति को अपने आप में ही साध्य मानते हुए प्रकृति के अध्ययन पर जोर देता है। तो अर्नेनास ने सेलो इकोलॉजी की बजाय डीप इकोलॉजी का समर्थन किया है, इसलिए अर्नेनास को गहरी पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा डीप इकोलॉजी जैव विविधता के साथ साथ जैविक समानता की बात करती है, यानी सभी जीवों की समानता की बात करती है, विविधता की बात करती है और केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण की अवधारणा के ऊपर जोर देती है। अगला ग्रीन थिंकर है जेम्स लवलॉक। जेम्स लवलॉक ये ब्रिटेन का वायुमंडलीय रसायन विशेषज्ञ है, एक पर्यावरणीय चिंतक है। इनका जो एनवायरमेंटलिज्म या ग्रीन आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो सबसे यूनिक योगदान है वो है गाया हाइपोथेसिस की अवधारणा। गाया परिकल्पना की अवधारणा का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जेम्स लवलॉक को माना जाता है। गाया हाइपोथेसिस क्या है, गाया क्या है? गाया ग्रीक के अंतर्गत, यूनान के अंतर्गत पृथ्वी की देवी है। गाया हाइपोथेसिस के अंतर्गत जेम्स लवलॉक ने इस बात पर जोर दिया कि हमें पृथ्वी को एक निर्जीव जीव के रूप में, निर्जीव के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें पृथ्वी को सजीव के रूप में समझना चाहिए, पृथ्वी को एक जीवित जीव के रूप में समझना चाहिए। क्योंकि गाया हाइपोथेसिस के माध्यम से जेम्स लवलॉक ये समझाने का प्रयास करता है कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी के समान ही है जो कि अपना रेगुलेशन, अपना प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम है, इसलिए मनुष्य को पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि पृथ्वी के साथ में, प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत अपना योगदान देना चाहिए। तो गाया हाइपोथेसिस का कुल मिलाकर मतलब ये है कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी के रूप में है जो कि अपना सेल्फ रेगुलेशन करने के अंतर्गत सक्षम है। दूसरा जो जेम्स लवलॉक का योगदान है वह है कि दुनिया के अंतर्गत सबसे पहले वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो वैश्विक उपस्थिति है उसका पता लगाने के लिए, उसके बारे में सचेत करने वाला अगर कोई व्यक्ति था एनवायरमेंटलिज्म थ्योरी के अंतर्गत तो वो है जेम्स लवलॉक। इसके अलावा जेम्स लवलॉक ने परमाणु शक्ति का भी समर्थन किया है और परमाणु शक्ति को इसने एनवायरमेंटलिज्म के अनुकूल ही माना है।
अगला जो ग्रीन थिंकर है वो है मरे बुकचिन। मरे बुकचिन ये अमेरिका का एक अराजकतावादी सामाजिक दार्शनिक और पर्यावरणविद है। मरे बुकचिन का जो ग्रीन थ्योरी के अंतर्गत प्रमुख योगदान है वो है सोशल इकोलॉजी का विचार। सोशल इकोलॉजी यानी सामाजिक पारिस्थितिकी का विचार का प्रमुख जो प्रस्तावक या प्रतिपादक है वो है मरे बुकचिन। मरे बुकचिन ने सामाजिक पारिस्थितिकी के विचार के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उनको सामाजिक संगठनों के ऊपर लागू करने की आवश्यकता है। सामाजिक संगठनों के ऊपर इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लागू कर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव करके पर्यावरण संरक्षण की ओर, प्रकृति के संरक्षण की ओर बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा मरे बुकचिन का सोशल इकोलॉजी के अंतर्गत विशेष रूप से पारिस्थितिकी अराजकतावाद इको एनार्किज्म के अंतर्गत प्रमुख योगदान है। इको एनार्किज्म के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत पढ़ा था कि पारिस्थितिकी अराजकतावाद केंद्रीकरण का विरोधी है और राज्यहीन समाज का समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है, केंद्रीय सत्ता का पूर्णतः विरोध किया जाता है। जितना ज्यादा केंद्रीकरण होगा उतना ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि सत्ता के अंतर्गत अगर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मनुष्य के अंतर्गत होगी तो वो प्रकृति के ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेगा। अगर सत्ता के अंतर्गत जितना विकेंद्रीकरण होगा तो फिर मनुष्य प्रकृति के अंतर्गत भी उसी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और प्रकृति का जो संरक्षण है वो स्वतः ही अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो मरे बुकचिन का ग्रीन आइडियोलॉजी के अंतर्गत प्रमुख योगदान क्या है? सोशल इकोलॉजी के विचार का प्रमुख प्रस्तावक है ये। यह पारिस्थितिकी अराजकतावादी जो सिद्धांत है उसका प्रमुख समर्थक विद्वान है। इसकी प्रमुख पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम ये 1982 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। अगला जो ग्रीन थिंकर्स है वह है कैरोलिन मर्चेंट। कैरोलिन मर्चेंट यह अमेरिकी विद्वान है। इसने इको फेमिनिज्म का समर्थन किया है, पारिस्थितिकी नारीवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। पारिस्थितिकी नारीवाद का दृष्टिकोण क्या कहता है? पारिस्थितिकी नारीवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जिस तरीके से पैट्रियार्की के अंतर्गत महिलाओं की दासता, महिलाओं की अधीनता नीत है, ठीक उसी तरीके से प्रकृति का जो हनन होता है, प्रकृति के ऊपर जो प्रभुत्व स्थापित करता है पुरुष, वो भी पैट्रियार्की के अंतर्गत अंतर्नीत है। यानी प्रकृति को जो नुकसान होता है वो किसके अंतर्गत नीत है? वो पितृसत्ता के अंतर्गत नीत है। तो कैरोलिन मर्चेंट के अनुसार, कैरोलिन मर्चेंट ये कहती है कि जिस तरीके से पुरुष महिलाओं का शोषण करते हैं, ठीक उसी तरीके से पुरुष प्रकृति का भी शोषण करते हैं। तो पारिस्थितिकी नारीवाद प्रकृति के लिए मनुष्य को खतरा नहीं मानती है, बल्कि यह पुरुषों को खतरा मानती है, पैट्रियार्की को खतरा मानती है। पुरुषों की जो पैट्रियार्की स्थापित करने की जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसको ये खतरे के रूप में मानती है और इसकी जगह यह मैट्रियार्की का समर्थन करती है और ये कहती है कि मातृसत्ता है, इसके अंतर्गत प्रकृति के जो संरक्षण है उसके ऊपर बल दिया जाता है, क्योंकि पुरुषों की बजाय महिलाएं हैं वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक होती है, वो प्रकृति से प्रेम करती है, प्रकृति के साथ में उनका लगाव होता है, प्रकृति के साथ में उनका स्नेहपूर्वक व्यवहार होता है। इसलिए पैट्रियार्की को समाप्त करके मैट्रियार्की यानी मातृसत्ता की स्थापना करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से कैरोलिन मर्चेंट है ये इको फेमिनिज्म की समर्थक विद्वान है। इसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत है दी डेथ ऑफ नेचर, ये 1983 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, और इसकी जो दूसरी प्रमुख पुस्तक है वो है रेडिकल इकोलॉजी, जो कि 1992 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। तो इन दो पुस्तकों के माध्यम से कैरोलिन मर्चेंट ने इको फेमिनिज्म का समर्थन किया कि किस तरीके से मैट्रियार्की के माध्यम से पैट्रियार्की को उखाड़ फेंक करके प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है। अगला जो ग्रीन थिंकर है वो है रुडोल्फ बेरो।
रुडोल्फ बैरो यह जर्मनी का लेखक और ग्रीन एक्टिविस्ट है। इसका जो विचारधारा है वो है समाजवादी पारिस्थितिकीवाद, इको सोशलिज्म। इको सोशलिज्म के माध्यम से इसने ये समझाने का प्रयास किया कि जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी जड़ें पूंजीवाद के अंतर्गत निहित है, क्योंकि पूंजीवाद है यह प्रकृति का दुश्मन है, जबकि समाजवाद है वो प्रकृति का मित्र है। तो यह समाजवाद के माध्यम से, समाजवाद की स्थापना के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के ऊपर बल देता है। रुडोल्फ बैरो की दो प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें सोशलिज्म एंड सर्वाइवल, यह पुस्तक 1982 को प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत रुडोल्फ बैरो लिखते हैं कि पूंजीवाद को पर्यावरण संकट के मूल कारण के रूप में देखा जाना चाहिए और समाजवाद को इसके समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि रुडोल्फ बैरो ये कहता है कि पूंजीवाद के अंतर्गत ही पर्यावरण संकट की जो कारण है वो अंतर्निहित है और समाजवाद की स्थापना के माध्यम से ही यह पर्यावरण संकट का जो समाधान है उसको खोजा जा सकता है। लेकिन दूसरी जो उसकी पुस्तक आई फ्रॉम रेड टू ग्रीन, इस पुस्तक के अंतर्गत, यह 1984 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, इस पुस्तक के अंतर्गत रुडोल्फ बैरो थोड़ा सा अपनी बात को परिवर्तित करते हुए लिखता है कि जो पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय संकट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे वर्ग संघर्ष से पूर्ववर्ती माना जाना चाहिए। यानी पहली पुस्तक के अंतर्गत तो वह पर्यावरणीय संकट या समस्या को वर्ग संघर्ष के अंतर्गत ही शामिल कर लेता है और वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही वह पूंजीवाद की समाप्ति कर समाजवाद में उसका समाधान देखता है, जबकि दूसरी पुस्तक के अंतर्गत भी वह समाजवाद के अंतर्गत ही परिस्थिति की समस्याओं के समाधान को देखता है लेकिन वर्ग संघर्ष से पहले पर्यावरणीय समस्याओं पर जोर देता है। तो इस तरीके से रुडोल्फ बैरो ने समाजवादी पारिस्थितिकीवाद की विचारधारा के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास किया है। अगला जो महत्वपूर्ण विद्वान है वो है वंदना शिवा। वंदना शिवा यह भारत की ही विद्वान है, यह भी एक पारिस्थितिकी नारीवादी विद्वान है। पारिस्थितिकी नारीवाद की अवधारणा के माध्यम से वंदना शिवा ने प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया है, पारिस्थितिकी समस्याओं के समाधान पर बल दिया है। वंदना शिवा भी पैट्रियार्की को उखाड़ फेंकने की समर्थक विद्वान है और पैट्रियार्की की जगह अगर मैट्रियार्की को स्थापित किया जाए तो वंदना शिवा के अनुसार पर्यावरणीय समस्याओं का हल खोजा जा सकता है, क्योंकि पुरुषों की बजाय महिलाएं हैं, ये प्रकृति के ज्यादा नजदीक होती है। अगला जो ग्रीन थिंकर है वो है गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन यह अमेरिका का इकोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इसकी जो प्रमुख पुस्तक है या प्रमुख विचार है वो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, यानी साझा त्रासदी। यह विचार इसने 1968 के अंतर्गत दिया और 1968 के अंतर्गत इसकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के नाम से। इस पुस्तक के अंतर्गत ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की विचारधारा के माध्यम से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसने यह समझाने का प्रयास किया कि पर्यावरणीय जो संसाधन है उनका इतना ज्यादा दोहन क्यों होता है, उनको इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है, अंधाधुंध तरीके से इन पर्यावरणीय संसाधनों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो गैरेट हार्डिन ने इस अवधारणा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि प्रकृति के अंतर्गत कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि कॉमन जो लैंड है, सामान्य जो भूमि है जिसके ऊपर किसी विशेष राज्य या विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, जैसे कि समुद्र के अंतर्गत जो संसाधन है या जो भूमि है ऐसी जिसके ऊपर किसी राज्य विशेष का या व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है, तो ऐसे जो कॉमन संसाधन है उनका ज्यादा दोहन किया जाता है लोगों के द्वारा, इसलिए पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो उभर करके आई है। तो गैरेट हार्डिन ने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के माध्यम से इस बात को रेखांकित किया कि प्रकृति को क्यों ज्यादा नुकसान होता है। तो गैरेट हार्डिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से निपट कर कैसे कि अगर इन संसाधनों के ऊपर कोई एक ऑथोरिटी स्थापित हो,
या फिर जनसंख्या को न्यूनतम किया जाए या कम किया जाए, तो इस तरह से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। तो इस तरीके से इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जो की ग्रीन थिंकर्स है, की एनवायरमेंटलिस्ट जो थिंकर्स है उनको, और उनका जो एनवायरमेंटलिज्म या ग्रीन आइडियोलॉजी के अंतर्गत इनका जो योगदान है उसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह स्नातक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान को सुनने के लिए धन्यवाद, और आपसे यह भी आशा करता हूं कि इस व्याख्यान को सुनने के साथ साथ आप एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर मेरे दो और व्याख्यान रिकॉर्ड किए हुए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, उसको भी जरूर सुने, और इस ज्ञान के माध्यम से नवीन अवधारणाओं के माध्यम से आप खुद भी लाभान्वित हो और अन्य विद्यार्थियों को भी इनसे लाभान्वित करने का प्रयास करावे। धन्यवाद।